ANM, GNM, DP Pharma, योग्यता 12वीं पास। कोर्स हेतु संपर्क करें राधा पार्वती एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट, मेन रोड टंडवा। संपर्क नंबर है 8409211842, 9304440499। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। डंडई से संवाददाता बिंदु कुमार की रिपोर्ट। सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन 4 का डंडई प्रखंड के कई लोग पूरी सख्ती के साथ नहीं पालन कर रहे, जिसको लेकर बुद्धिजीवी एवं गणमान्य लोगों ने चिंता जाहिर की है। डंडई मुख्यालय में रोजाना लोग बेवजह खुलकर घूम रहे हैं। वहीं कई बैंकों तथा सरकारी दफ्तरों में भी लोगों का जमावड़ा रुक नहीं रहा। इसका कारण बुद्धिजीवी लोगों ने बताया कि पुलिस प्रशासन व प्रखंड कर्मियों के घोर लापरवाही के कारण भीड़ जमा हो रही है। यदि प्रखंड कर्मी व प्रशासन की इन जगहों पर पैनी नजर होती तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करते। बताया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखने वाले लोग अब समझ रहे हैं कि लॉकडाउन टूट गया। बुधवार को विभिन्न पंचायत के पंचायत सचिवालय में नरेगा मनरेगा का कार्य को लेकर ग्रामीणों की काफी भीड़ थमी रही। लोगों का दिन भर आना जाना जारी था। वहीं योजना के लाभुक संबंधित पदाधिकारी के किनारे किनारे खड़े होकर काम करवा रहे थे और पदाधिकारी अपने कार्य में काफी व्यस्त थे। इधर डंडे साप्ताहिक बाजार में भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखे। लोगों ने सरकार के नियमों का खुलकर धज्जियां उड़ाई। बताया गया कि साप्ताहिक बाजार में अधिकांश दुकानें खुली रहीं, जिसकी वजह से लोग सामान का खरीदारी हेतु आते जाते रहे। बताया गया कि जो दुकानें सरकार ने खोलने की इजाजत नहीं दी, वह भी दुकान चुप्पा चुप्पी खोल रहे थी जा रही हैं। साप्ताहिक बुध बाजार में कई मिठाई की दुकानें व कई चप्पल की दुकानें भी खुली रहीं। वहीं कई कपड़ों की दुकानें भी ग्राहकों के हिसाब से खुल और बंद हो रही थीं। बुधवार को प्रखंड के रारो, सोनेहारा, डंडई तथा जरही क्षेत्र के कई गणमान्य लोगों ने बताया कि डंडई प्रखंड में मुख्यालय के साथ साथ कई जगहों पर साप्ताहिक बाजार लगते हैं, वहां भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। जबकि अन्य राज्य के रेड जोन इलाके से काफी लोग अपने गांव पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जो लोग सरकारी व्यवस्था से आए हुए हैं, उनका तो कोई जगह थर्मल स्क्रीनिंग और व्यापक लक्षण की जांच हुई, पर जो लोग अपनी व्यवस्था से आए हैं, अर्थात जो लोग पैदल और साइकिल से आए हैं, उनके अभी तक जाँच नहीं हुई है और वे लोग रोज घूम फिर रहे हैं, जिससे कोरोना वायरस का संक्रमण का काफी डर व्याप्त है। ग्रामीणों ने कहा कि ऐसी जगहों पर पुलिस प्रशासन की निगरानी बहुत जरूरी है, नहीं तो भुगतना हम लोगों को पड़ेगा। धन्यवाद।